और अब बात बुरके पर चुनावी पहरेदारी की। कल दिल्ली हरियाणा समेत देश भर की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में हैं। अब वोटिंग से पहले बुरके के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बुरके की आड़ में बोगस वोटिंग होती है। इस पर ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी और बताया कि जब चुनाव आयोग के नियम साफ हैं तो फिर ये सियासी सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में बुरके में वोटिंग करने वाली महिलाओं पर नया सियासी बवाल मचा है। बीजेपी ने अब हर बूथ पर बुरका नशीन वोटरों को चेक करने की मांग की है। इस पर सियासत पांचवें गियर में है। एक वर्ग विशेष की बहनें बुरका पहनती हैं और उसकी आड़ में कई बार बोगस वोटिंग होती है, ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो हमने ये कहा है कि वो बहनें जब वोट डालने जाएं तो वहाँ महिला सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए जो एक एक उनको चेक करें। दो दिन पहले बीजेपी की राज्य इकाई ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को बुरके वाली वोटरों को चेक करने के लिए ज्ञापन दिया था। 48 घंटे के भीतर इस मुद्दे पर चुनावी पारा चढ़ गया है। मामला दिल्ली का है लेकिन सियासत देश भर में गर्म है। जो हमारी माँ बहनें बुरखों में होती हैं या घूंघट में होती हैं, वो अमूमन किसी गैर के सामने नहीं आती, घूंघट नहीं उठाती हैं और अपना बुरखा भी नहीं उठाती हैं। लेकिन आज ये चीजें करके वोटिंग प्रोसीजर को डिले करने का मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। मुझे लगता है कि ये इनके दिमागी जहनी दिवालियेपन की एक बहुत बड़ा सबूत है, जो इनको शायद ये इस बात का डर सता रहा है कि अब जनता इनको नकार चुकी है और सत्ता से बाहर होने वाले। बीजेपी की दलील है कि बुरके की आड़ में असामाजिक तत्व साजिश रचकर फर्जी मतदान करवाते हैं। इस तर्क पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने एक्स पर लिखा, तेलंगाना में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान इनके उम्मीदवार ने मुस्लिम महिला की सरेआम बेइज्जती की और परेशान करने का काम किया। हर चुनाव में भाजपा कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करती है और निशाना बनाती है। बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना। ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए वोट डाले। अब इस मुद्दे पर देश भर में बहस शुरू हो गई है। ऐसे टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी फर्जी वोट डालने नकाब पहन पहन के बार बार जा रहा है। उनका हक है कि कोई पुरुष जो है वो जो चेक कर रहे हैं वो ना करते हुए महिलाएं चेक करें। कि महिलाएं बुरखा पहन के फर्जी मतदान कैसे कर सकती हैं? उनकी वोटर आईडी होती है, आधार कार्ड होता है, फर्जी वोट तो अब डल ही नहीं सकता। हम लोग ये थोड़ी चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह जो है उनकी जनता चलती है उस तरह हम लोग भी चले, ऐसा नहीं चाहते। जो हमारे मजहब में है वो हम करेंगे। इस मुद्दे पर मुस्लिम उलेमा क्या कह रहे हैं, यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है। शर्म की बात है औरतों के बारे में इस तरह की बातें करना। यानी हिंदू मुसलमान करने का कोई मौका ये लोग नहीं चूकते। इस बीच बिहार में भी इस मुद्दे पर उबाल है। वजह है बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा का ये बयान। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि बुरके के आड़ में ये वोट जिहाद किया जा रहा है, लेकिन भारत की महान जनता इसका जवाब दे रही है। ABP News आपको रखे आगे।